दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं ललन। और आज एक ऐसी खबर आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं कि इस सूरत शहर में एक ऐसे अधिकारी हैं जो एसीपी हैं ट्रैफिक विभाग के, अशोक चौहान जी उनका नाम है। और पिछले कई वर्षों से वो ट्रैफिक विभाग में अपनी सेवा तो दे ही रहे हैं, साथ साथ में जो गरीब हैं, जो रोड पर रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है तरह तरह की जो सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। कभी खाना खिलाना हुआ तो कभी कंबल वितरण करना हुआ, उनके लिए कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इस कोरोना काल में जो है बहुत सारे जनता जो है काफ़ी परेशान थे, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर के जो मेडिकल विभाग है, हर तरह इन्होंने जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन्होंने हर संभव मदद करने का, लोगों का उन्होंने प्रयास किया है, जान बचाने का प्रयास किया है। उसी तरह से इस सूरत शहर में मैं आपको बता दूँ कि जो पत्रकार हैं अपनी पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए वह जो है हर तरह की खबरें जो है सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने काम करते रहे हैं। इसी बात को लेकर के सेवा सद्भावना फाउंडेशन ने बहुत मतलब यहाँ के पत्रकारों को उन्होंने एक प्रमाण पत्र दे करके अच्छे तरह से उनको सम्मानित किया है। मैं 1995 में पुलिस में भर्ती हुआ और 96 में ट्रेनिंग पास करके जब महसाणा में एज ए पुलिस सब इंस्पेक्टर हाजिर हुआ, तब से ये सेवा का कार्य चल रहा है। मैंने जहाँ जहाँ मेरी ट्रांसफ़र होती है, मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे हमने लंगर शुरू किए हैं। काफ़ी जगह पे, महत्तम जगहों पे लंगर अभी भी चल रहे हैं। और सूरत सिटी में मैं 2018 में आया तो दिल्ली गेट ओवरब्रिज के नीचे अक्टूबर 19 से हमने पहला लंगर शुरू किया। और आज सूरत सिटी के 11-12 जगह है जहाँ पे हफ्ते में 20-22 टाइम हम लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये जो आने वाला जो गणपति है, गणपति की पूजा होगी, उसके लिए ट्रैफिक की तरफ से आप, ट्रैफिक विभाग की तरफ से आप क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? अभी आने वाले गणपति गणेश चतुर्थी को, यानी कि कल, पूरे भारतवर्ष में गणपति की स्थापना होगी और बाद में 10 दिनों तक उनकी सेवा अर्चना चलेगी और 19/9/2021 को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होने वाला है। इस उपलक्ष्य में सूरत शहर पुलिस और सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ज़रूरी सारे इंतजाम किए गए हैं। लोकल पुलिस के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकलने वाले सारे भक्तगण और देखने वाले सारे नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। और पहले से ऐसी आयोजन किया गया है कि जो जो विस्तार के अंदर गणेश विसर्जन के लिए कृत्रिम ओवारा की व्यवस्था की गई है तो गणपति उसी विस्तार में जाके और उसी कृत्रिम ओवारा के अंदर जहाँ पे निर्धारित किया गया उनको बताया कि उसी जगह पे जाके विसर्जन किया जाए। सूरत की सभी सुग्न जनता को मेरा आग्रह भरी विनती है कि आप लोग पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था में साथ दें और जिस ओवारा पे, कृत्रिम ओवारा पे आपका नंबर है या आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपके गणपति जी का विसर्जन होगा, श्री जी का विसर्जन होगा, उसी ओवारा पे आप जाएं जिससे कोई अव्यवस्था ना फैले। आपके साथ अच्छे से आप सुरक्षित रूप से समय सर गणपति विसर्जन हो जाए और आप सुरक्षित अपने घर चले जाएं। और गणपति विसर्जन देखने आने वाले सभी जो नागरिक हैं उनको मेरी अपील है कि आप इसकी गंभीरता को समझें कि 2 साल के बाद ये प्रसंग आ रहा है और सरकार ने आपकी भावनाओं को देखते हुए काफ़ी छूट छाट दी है और इसका लाभ आप मर्यादाओं में रह के उठाएं। आपकी तरफ से ऐसी कोई असुविधा पुलिस और प्रशासन को, एसएमसी को ना हो जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में कोई बाधा आए और ये कार्यक्रम अच्छे से सुचारू रूप से संपूर्ण हो, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ आपको।